हेलो दोस्तों, आरसीए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल द्वारा तैयार किया गया समान अध्ययन सीरीज 3 में आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत के इतिहास के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। आइए इन प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को जानने के पहले, अगर आप आरसीए न्यूज चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब आइए पहले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी शिवालिक की पहाड़ियाँ, सी धौलागिरी की पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नर्मदा घाटी। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ए बाजरा, बी गेहूं, सी मक्का, डी जौ। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जौ। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए बुर्ज होम, बी कोल्डिहवा, सी चोपानी, डी माड़ो। इसमें ऑप्शन ए सही है, बुर्ज होम। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ए प्राचीन युग से, बी ऐतिहासिक युग से, सी आद्य ऐतिहासिक युग से, डी मध्य ऐतिहासिक युग से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आद्य ऐतिहासिक युग से। अब आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वह नगरीय सभ्यता थी। अब आइए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से सभी। अब आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत ए शिलालेख, बी पुरातत्व की खुदाई, सी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पुरातत्व की खुदाई। अब आइए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति से, बी वैदिक संहिता से, सी शादी के हस्त सिक्कों से, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा संस्कृति से। अब आइए नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य से,
बी उत्तर वैदिक काल से, सी ताम्र काल से, डी मौर्य काल से। इसमें ऑप्शन ए सही है, पूर्व आर्य से। अब आइए दसवें प्रश्न की ओर चलते हैं। दसवां प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी? एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी? ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदड़ो में, सी आलमगीरपुर में, डी कालीबंगा में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कालीबंगा में। अब आइए ग्यारहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राखीगढ़ी। अब आइए बारहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। बारहवा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे? ए इंद्र और वरुण को, बी पशुपत को, सी विष्णु को, डी यमदेव को। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पशुपत को। अब आइए तेरहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तेरहवा प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तांबा। अब आइए चौदहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। चौदहवा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, लोहा। अब आइए पंद्रहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पंद्रहवा प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, गुजरात में। अब आइए सोलहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सोलहवां प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी मोहनजोदड़ो से, डी लोथल से। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, धौलावीरा से। अब चलिए सत्रहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्रहवां प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया? ए मिस्र में, बी टोक्यो में, सी भारत में, डी जापान में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत में। अब चलिए अठारहवें प्रश्न की ओर चलते हैं। अठारहवां प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? ए शेर, बी गाय, सी हाथी, डी घोड़ा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, घोड़ा। अब चलिए 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह योग देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह योग देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? ए कालीबंगा से, बी लोथल से, सी सुरकोटड़ा से, डी रोमन से। इसमें ए ऑप्शन सही है, कालीबंगा से। अब चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी तट पर पनपी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी तट पर पनपी? ए रोमन सभ्यता, बी मिस्र सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी यूनानी सभ्यता। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मिस्र सभ्यता।
इसमें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ए सुमेरिया, बी सिंधु, सी नागालैंड, डी भारत। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सुमेरिया। अब आइए 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद। अब आइए 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, त्रयी नाम है ए तीनों वेद का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, डी तीन मौसम का। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, तीन वेदों का। अब आइए 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित चार वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित चार वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, डी सामवेद में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अथर्ववेद में। अब चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ए 1028, बी 1017, सी 1128, डी 1020। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 1028। अब आइए 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 9वां मंडल। अब चलिए 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सामवेद। अब चलिए 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, दर्शन पर। अब आइए 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? ए काशी के, बी केकेय के, सी पंचाल के, डी विदेह के। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, केकेय के। अब आइए 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण था? ए कान का, बी गला का, सी बाहु का, डी कलाई का। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, गला का। अब चलिए 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, शतपथ ब्राह्मण। आइए 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी आयुर्वेद में। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद में। अब आइए 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
33वां प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किस में विश्वास करती थी? ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलियोम कर्मकांड। इसमें डी ऑप्शन सही है, बलियोम कर्मकांड। अब आइए 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी यमुना, सी परुषणी, डी कावेरी। इसमें सी ऑप्शन सही है, परुषणी। अब चलिए 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, शिकार। अब आइए 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द किस कृषि उत्पाद हित प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए जौ, बी चना, सी चावल, डी गेहूं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, जौ। अब आइए 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, ऋग्वेद। अब आइए 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी गुरु नानक, डी इंद्र। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, विश्वामित्र। अब आइए 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी हिंदी, डी पाली। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, संस्कृत। अब आइए 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए मनुस्मृति, बी भगवद्गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडक उपनिषद। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मुंडक उपनिषद से। अब आइए 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ए आचार्य, बी अध्यापक, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, उपाध्याय। अब आइए 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी कोलीय वंश, सी माया वंश, डी पांड्या वंश। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कोलीय वंश। अब आइए 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर में। अब आइए 44वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां प्रश्न है, आल आर कलाम कौन थे? आल आर कलाम कौन थे? ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन का एक शासक, डी बुद्ध के एक गुरु। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, बुद्ध के एक गुरु। अब आइए 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न है,
बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानिक, बी उदयन, सी बोधि, डी निक्षु। इसमें ऑप्शन बी सही है, उदयन। अब आइए 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध आयोजन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिम्बिसार के शासनकाल में, डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही आने वाला है सामान्य अध्ययन सीरीज 4। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।